नहीं वेट, अब मैं भी दिखाता हूँ ये लोग क्या देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर कहीं पे कभी भी आप लोग घूमने जा रहे हो तो दोपहर को मत निकलो यार, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अभी स्टेटस ये है कि 5:30 हो गए और इरफान गया है मस्जिद नमाज़ पढ़ने, सो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा निकल जाएंगे। और ये बाल मेरे हो गए ख़राब, सो 10 मिनट का गाड़ी को रेस्ट, मुझे रेस्ट, वो नमाज़ पढ़ के आ रहा है और फिर हम वापस निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन। अभी और 40 किलोमीटर का रूट बचा है और अभी हम लोग नासिक हाईवे पे पहुंचेंगे, रात भर ट्रैक करेंगे, टेंट लगाएंगे और मॉर्निंग रिटर्न। सो बेसिकली अगर आपको आना हो तो ये बहुत लंबा रूट है, ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो आप जस्ट गूगल करना और गूगल में एक विलेज का नाम आएगा, खिरेश्वर टाइप करोगे तो खिरेश्वर विलेज के पास ही ये फोर्ट है हरिश्चंद्रगढ़। फिर हमको अब तक 4 घंटे के ऊपर हो गए बिकॉज, तो अभी हम लोग पहुंच गए, गाड़ी वहां पार्क करेंगे पार्किंग में। और इस साइड गुप्त अंधेरा है, गुप्त मतलब बहुत पास जा रही है अंधेरे में जानवरों की, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी हम लोगों ने ट्रैक अभी जस्ट चालू किया है, आगे 2 लोग है, पूरा अंधेरा है, ये लोग भी बहुत दूर से आए हैं, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर से, और हम लोग ऑलमोस्ट 150। सो माइट भी प्रॉपरली क्लियर तो नहीं आएगा ब्लॉग, सो मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में अच्छे से शूट करूँ, तो यहाँ गिरने पड़ने के चांसेस बहुत है। और आपका? राकेश। मेरा नाम अक्षय। ये इरफान भाई। अभी तुम लोग नाइट ट्रैक पे जाते हो ना, सो एक ऐसी बड़ी सी डंडी साथ में लेके चलो, आगे कुछ भी आ सकता है। सो ऑलमोस्ट अभी 15 से 20 मिनट हो गया ट्रैक करते हुए और थकान हो गई। इरफान मजा आ रहा क्या? इरफान अगर तुम्हारे पास टॉर्च एक है तो जिसके पास टॉर्च है उसको पीछे रखो और तुम आगे चलो। पानी की बोतल लाई क्या? 5 लीटर की पड़ी है मेरे पास, बैग में है। मत भरो फिर। मेरा है ना 1 लीटर। तो फिर अगर आपको एक पिंड दिखेगी और इसके जस्ट सामने शिवलिंग की जो शिवलिंग है उसके जस्ट सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक रूम है और वहाँ पर हेड 30 रुपए के हिसाब से आपको एंट्री फी है। तो अभी है रॉक पैच और एकदम स्टीप चढ़ाई है, एक बंदा तो चढ़ गया, अभी हमारी बारी। इरफान भाई जा रहे हैं, इरफान लेट्स गो। अरे दिखेगा तू, जाना जा जा जा, संभाल कर चढ़, आराम से चढ़ा। हम नाइस, सीधा ही चलते ना। ये तोलारखिंड। अच्छा इधर हो? इधर ही हूँ। रास्ता भटक कहते हैं ना, बेरिंग ही नहीं हुई है सर जाने की। अरे ट्राई करने का, बहुत आगे जाकर है। जाके आए क्या आगे? करीब करीब 20-25 मिनट चलते गए, फिर 20-25 मिनट रिटर्न है। क्यों मतलब आपको उससे नहीं मिला उधर? कोई भी नहीं था। अच्छा कोई भी नहीं। अच्छा कोई नहीं था इसलिए आप फिर वापस आए? नहीं जा लो, इन लोगों ने आग लगाई मस्त और ये लोग रास्ता भी भटक गए थे अभी, सो अभी ये लोग हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। मजा आली का पन तुम्हाला? मजा आधीच चावल घेतली म्हणजे किती मजा आली असेल विचार। नाही रे नाही, पण तू मजा दिली आम्हाला, प्रत्येक गोष्टीचा फायदा तोटा असतो। पण तुम्ही लोक खरे खाना बिकॉज हम गए भटक, हम लोग खाली टेंट लेकिन दिख की नहीं रहा। जो बना रहे हमारे गणेश भाऊ, ज्ञानेश भाऊ काहीच नाही केलं, आपल्याला वाटलं वर खाली विचारलं वर सगळं मिळतं, वर राहिले
बोर्ड ना एक बोलो भाई, आप 2 बजे निकले तो आपने पहुंच भी जाना चाहिए था। मैं सोएंगे और सुबह देखेंगे एग्जैक्टली रूट क्या है। अभी डिसाइड की ये क्या, हम लोगों ने लगा दिया टेंट कैंप का, तो हम लोगों ने लगा दिया अभी टेंट। क्यों लगाया इरफान? हम लोग फिर से रास्ता भटक गए। तो अभी एक काम किया, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और फिर कहीं नहीं मिल रहा था, बिकॉज हमको देख निकला था सनराइज, लेकिन आई डोंट थिंक अभी मिलेगा। सन मिलेगा, राइस नहीं मिलेगी। राइस नहीं मिलेगी। तो अभी हम जस्ट अभी टेंट के अंदर आ गए और टेंट लग गया है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। सो ये सब बताने का एक ही मोटिव है कि कभी कभी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, कभी कभी तुम्हें चीजों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हो गया ये सेट पूरा? सेट हो गया, पूरा सेट हो गया। बाय बाय। अच्छा कितना चले अपन ये बता, कितना चले ये बता दे। 4:30-12 बजे के बाद कितना घंटे चले? 10:30 बजे से चली रहे भाई, 2:30 बज रहे। अच्छा पहले जाना कहाँ पड़ता? जाना था तो हमको जाना कहीं और था, हमें जाना था हरिश्चंद्रगढ़। हाँ। फिर बाले किला उधर लोकलाइट में पास में है तो वहाँ पहुँच रहे थे। फिर पहुँचते फिर हम बोले कि हम कोकनकड़ा पहुँचेंगे। कोकनकड़ा भी यहाँ से दूर है। तो अभी हमको क्या मिला? रेस्टोरेंट। अरे रेस्टोरेंट जाना है क्या? ओ भैया रेस्टोरेंट में जाना है क्या? रोहिदास रेस्टोरेंट। तो फिर ये सब सोच के हमने डिसाइड किया कि कहीं नहीं जाते तो इधर ही टेंट लगाते हैं, सो जाते। मैं क्या बोल रहा? हाँ। उसको भी बंद करते हैं भाई, इसको खोल देते पीछे वाले को हल्का सा, मैं खोल के आता बाहर से। वो खुला ही है, वो उसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है, खुला है वो, वैसे ही खुला है। तो उसको भी बंद कर देते, यहाँ से कुछ शेर वीर देखेगा तो मैटर हो जाएगा। अरे बाप रे, शेर नहीं लेकिन यहाँ पर लेपर्ड्स है। यहाँ से ये लोग 5 का उठने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2:30 बजे सो के 5 बजे उठे। 2:30 बजे सो के 5 बजे उठने की प्लानिंग। तो भैया हम अकेले नहीं है जो ये रूट से जा रहे थे। इरफान भाई अपने जैसे अपन तो 6 ही थे, अभी तो 12 के ऊपर निकल गए। 14 लोग गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। और मस्त नींद होने के बाद, अरे अपना एक क्लियर कहाँ गया? तो मस्त नींद के बाद अभी उठे हम लोग, सनराइज का नहीं पता और सनसेट का भी नहीं पता, बस अभी मंजिल है पहुंचना है। तो हम लोगों ने यहाँ कैंपिंग की थी, मस्त एक टेंट, 2 टेंट, 3 टेंट, कोई किसी को नहीं जानता। और यही कैसे ट्रैक करते करते मिले, मैं बोला लेके तो नहीं गया आपको शेर। चलो अभी पैक करते और निकलते कौन है? वर्तू नहीं था क्या? अपन अपन यहाँ से है भाई, नहीं अपन चाहिए वो। सो कल हम लोगों ने तोलार खिंड पार की। आप अगर यहाँ आते हो तो आपको तोलार खिंड से होते हुए भी आ सकते हो, वरना बाले किला होते हुए भी आ सकते हो। लेकिन अगर बाले किला होते हुए आओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, ये बहुत पीछे से घूम के बहुत लंबा रास्ता, अगर आपके पास बहुत टाइम है। देखो सनराइज। वो हो गया सनराइज, वाह यार तभी मस्त सारा दिख कर, इतना कुछ खराब नहीं है। पानी 40 रुपए का इधर। कोकनगढ़ की किती? 15 मिनट? 20 मिनट। हरिश्चंद्रगढ़
आम्ही आलो का जाणार आता तिथे चालेल आम्ही पोहोचलो पोहोचले ते ओके तो हम लोग अभी हरिश्चंद्रगड एक्झॅक्टली पोहोच गया चल सूरज मेरे साथ है इरफान भी मेरे साथ है अभी हम लोग थोड़े कप ले रहे हैं बिकॉज चाय बनाने के लिए हमारे पास कप नहीं है सो मैं कप लेने हैं अगर से मैं तुम्हें जा सकते तो छोटा मंदिर है ना कौन था ते वो तो वर हां ते विष्णु मित्र सा शिव सा हां ये खाली शिव मंदिर हे डोमाचा डोमा म्हणजे हां हा वाला ना हां पाणी वाहण्यासाठी हरिश्चंद्र म्हणला तर आयुर्वेदी नगरी आयुर्वेदी नगरी तिथले हरिश्चंद्र राजा सूर्यवंश म्हणला पण मग ह्या पूर्ती तलावर म्हणले बोन नेमका कोण सतुशिले म्हणे हरिश्चंद्र मग विष्णू मित्रांना 60,000 वर्ष तपसर केली इथे लोखंड लोखंड चने खाऊ चने खाऊ चने खाऊ लोखंड खायचा तू लोखंड आणि लोखंड चने म्हणे मला म्हणला नाही सतुशील आणि हरिश्चंद्राला सतुशील म्हणला त्याच्यामुळे मग तू स्वतः परीक्षा पाहायला लागला त्याच्यानंतर मग स्वप्नात राज्य दान केला तू काशीला 3.5 बार सोनं त्यांना कबूल केली आणि मग तू काशीला गडी राहिला तिथून परत इथं आला इथं डोमाचे इथं गडी राहिला पाणी उन्हण्यासाठी तारामती एका ब्राह्मणाच्या इथं गडी म्हणून काम करू लागली त्यांचा छोटासा मुलगा आपले रुईदास म्हणून एका मायाचे इथं काम करू लागला फुले तोडण्यासाठी आपले गजर गुफा करता अशी गजऱ्यासाठी मग ते 3.5 बार सोनं करून गेला सत्व परीक्षेमध्ये हरिश्चंद्र भारी भरला त्याच्यामुळे मग हा गड जो आहे हा विष्णू मित्राचा गड इथे हरिश्चंद्राचा काय नव्हता पण हा गड तुझ्या नावानं ओळखला जातो सत्व म्हणजे हा गड यांचा नव्हता शिवमित्रांचा होता पण नाव याचा दिला हरिश्चंद्र गड हा तुझ्या नावानं ओळखला सत्व ओके एवढं संपलं काय का क्या मस्त कॉफी है मजा आ गया चाय कॉफी कॉफी और ये सनराइज शिव मंदिर है ये मंदिर घूम लेते हैं छोटी छोटी मूर्तियां है बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत पुराना मंदिर है गणपति बप्पा की मूर्ति भी यहाँ पे कैंपिंग के लिए अच्छी जगह है अपन यहाँ सो सकते थे पता है अच्छे से हाँ वो भी है अरे नहीं यहाँ पर लोगों ने ये भी जलाया माझा फोन मध्ये वीडियो पाहिजे हे जर खांब पडलं हां ताकी पृथ्वी नष्ट होणार वाव अरे हाँ यहाँ पर एक गया है तीन गए सो ये पूरा जो है वो जस्ट इस पे टिका हुआ है और ऐसा बोलती कि अगर ये टूट गया तो सब तबाही नाइस यार दीवाना है ये दिल दीवाने ने
मुझको भी कर डाला दीवाना, ने उसके शहर को छोड़ा, गली में दिल को तोड़ा, धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, ता कर डाला, उसी को करता है ये दिल। आंटी देखो घूम रहे भारी है, बिना बताए आए हैं यहाँ पे, ये घूम रहे। बारिश लिए हम तुम जिए, हाँ वो लंबी बाल वाली इनकी गर्लफ्रेंड है। आपका कुछ टेस्ट में चेंज तो नहीं हो गया? बहुत कह रहे हैं ये, आपको दिखा था, आ जाओ। तो ये लोग पता है क्या देख रहे हैं एक्चुअली? सो ये लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा था ये लोग क्या देख रहे हैं। नहीं वेट, अब मैं भी दिखा था ये लोग क्या देख रहे हैं। मोबाइल कह रहे ना बहू, मिलेगा नहीं और है ना। तो ये लोग ये देख रहे हैं खाई, पूरा राउंड दिखा ना, वैली बोल उसको, वैली ये है, कोकन कड़ा की वैली। अलग ही फील है यार। हाँ बहुत अलग है ना, कितना अलग है फील, बहुत अलग फील है यार, बहुत अलग है ये, कुछ अजीब ही चीज है, अजीब चीज है, आज तक देखी नहीं ऐसी बिल्कुल। आप भी ब्लॉगर बन सकते हो। हाँ आप भी बन दो ब्लॉगर, आप भी ब्लॉगर बन सकते हो, आप मुझसे अच्छा ब्लॉगर हो। बिल्कुल हाफ राउंड है, आधा राउंड है, हाँ पूरा, और कितना आधा राउंड है देखो, पूरा हाफ राउंड है ऐसा। और ये कैसे हुआ, ऐसे आया, ये नेचुरल आया, यहाँ तो अंदर गया है, अगर यहाँ रैपलिंग करेंगे ना बहुत अच्छा स्पॉट करते हैं ना लोग। तो कैसा लग रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद आ रहा है। ओ, ये देखो ड्रम्स सबके बजेंगे अभी। एक नंबर ब्लॉगर है वो। मजा आ गया, हम लोग फाइनली कोकन कोड़ा पहुंच गया। किसका तो फिर क्या बोलते हैं, खड़क वासलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन स्मेल ला। हाँ स्टोन स्मेल ला। और क्यों स्मेल ला, क्यों इंग्लिश खड़क बोले तो स्टोन आता है। हाँ। और वासला, हाँ। वासला बोले, वास बोले तो स्मेल बोलते हैं। हाँ। और जो आगे ला लगा है तो ओ लाई लगेगा, सीबीएसई बोर्ड में सिखाते ना, वो लाई ला है, सीबीएसई बोर्ड में सिखाते ना। टेंट रहने के लिए टेंट है 100 रुपए पर पर्सन, डिनर 150। ओके 150 का अनलिमिटेड डिनर, ओके ब्रेकफास्ट 50 पर पर्सन 300 रुपए। अच्छा 300 रुपए में पूरे दिन का हो जाएगा। हाँ, एक आदमी का, एक आदमी का ना। हाँ। ओके आपका नाम? विकास। विकास ओके, तो ये विकास भैया की दुकान है, अगर आपको यहाँ आते हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो 300 रुपए में खाना और टेंट भी, या हाँ, टेंट का अलग? हाँ, टेंट में ला के ना। हाँ, ओके हाँ 40 रुपए पर रेट हुए है, खाना आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो अभी हमारी मैगी बन गई है, हम लोग टेस्ट करेंगे। सुबह ये कोई केव्स है, केव है ना, मस्त ना, गुड। यहाँ पर कैंपिंग कर सकते थे यार, क्या केव्स है ये। इरफान बहुत ठंडा ही है ना, बहुत ठंडा ही है, और यहाँ कैंपिंग बहुत सही होती है। तो सपोज अगर आप लोग आते हो तो ये जगह, ये वो जगह है, आपको मंदिर है, आगे मंदिर दिखेगा, जस्ट स्ट्रेट इसमें नहीं दिख रहा, मंदिर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये केव है। अगर बारिश होती है तो आप यहाँ के कैंपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर केव के, ये रहा मंदिर, और मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड आओगे मतलब वो मंदिर है, और एकदम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ केव्स है। तो अंदर बहुत अच्छी जगह है, थोड़े मच्छर इशू हो सकता है, लेकिन बहुत ठंडी जगह है, और यहाँ पर आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हो, तो आ सकते हो अगर टेंट नहीं रहा और बारिश रही बहुत। सो ये स्पॉट बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं लगेगी और आराम से सो सकते हो, एकदम मस्त है ना, मस्त जगह है ना, सबसे अलग है, एकदम डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, टोटली डिफरेंट जगह है, सबसे डिफरेंट।
सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस प्रिंट. अगर आपको ऐसे प्रिंट दिखते हैं तो आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ये, देन फिर ये. सो ऐसे ऐसे आपको आगे प्रिंट्स दिखेंगे और यही रूट फॉलो करोगे तो आप ऑलमोस्ट हरिश्चंद्रगढ़ के पास पहुंच जाओगे. जस्ट ये रूट फॉलो करना और ध्यान रखना मार्किंग पे. मार्किंग कहाँ है, कहीं कहीं पे मार्किंग ये बनी है, कहीं कहीं पे ज्योति लिखा है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. यही है वो व्यू जो हमने रात को मिस किया. रात को कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा था एक्चुअली. हम लोग ये पूरा पैच चढ़ कर आए. हाँ, सो मैं मार्क एक ऐसे मार्क की बात करता हूँ, एक ये कलर में है और एक वाइट कलर में. सो जस्ट आप मार्क देख कर आओ तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. कहीं कहीं पे ऐसे जे लिखा है, कहीं 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 पे आपको ज्योति लिखा दिखा रहा है. हाँ है, एक पैकेट रखा है मेरे पास. हाँ, वो थोड़ा पैच थोड़ा डिफिकल्ट है, उतरे हम लोग ऐसे पूरा स्ट्रेट, ऐसे पूरा यहाँ से नीचे. सो अभी यहाँ से पूरा जंगल रूट क्रॉस करते हुए हम लोग अपने जहाँ आगे गाड़ी पार्किंग है वहाँ पहुँच जाएंगे. सो अभी ये जो पैच था, ये पैच, ये पूरे पैच को रॉक पैच बोलते हैं. मैं रात को ये शूट नहीं कर पाया था बिकॉज बहुत अंधेरा था. सो भी उतरते टाइम पे ही शूट किया है. सो ये आप फॉलो करोगे और आगे ऐसे एरोज हैं, यही इसको फॉलो करोगे तो आप पूरा वहाँ पहुँच जाओगे. सो अभी हम नीचे. अच्छा, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है 30 रुपये पर हेड. हाँ, कौन सा एरिया है? तोलारखंड. सो तोलारखंड पे आपको एक पहला पोस्ट मिलेगा, वहाँ आपको 30 रुपये पर हेड के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी और फिर आपको ये रूट पूरा ऊपर तक फॉलो करना पड़ेगा तोलारखंड. फाइनली अभी हमारा व्लॉग हो गया है ख़त्म और हालत हो गई है पूरी ख़राब. यहाँ से चालू किया था, अगर आप यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रेट जाओगे आपको एरोज दिखेंगे, मार्क्स दिखेंगे. अगर आप वो फॉलो करते हो आपके लिए ट्रैक बहुत ज़्यादा इजी होगा. और मैं रेकमेंड करूँगा कि नाइट में ट्रैक करो बिकॉज कैसे धूप बहुत है ऐसे टाइम पर और आप बहुत थक जाओगे. कैंपिंग करनी है, बीच बीच में आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी, बहुत अच्छा अच्छा व्यू है. यहाँ से जाते ही नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा सा व्यू पॉइंट मिलेगा वो एरिया का, ये वाले एरिया का, तो आप वहाँ पर जाके भी कैंपिंग कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ब्लॉग. पसंद आया लाइक करो, न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक यू.